कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही देश को आज़ादी दिलवाई थी, ये मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी की पार्टी है, इन्होंने गौरों से आज़ादी दिलवाई थी और तुम इंदौर वाले अब काले अंग्रेजों से इस देश को आज़ाद करवाओगे। यह बयान सिद्धू ने इंदौर में दिया जब कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वह वोट मांग रहे थे। ये कांग्रेस देश को आज़ादी देने वाली पार्टी है, मौलाना आज़ाद की पार्टी है, महात्मा गांधी की पार्टी है, उन्होंने गोरों से आजादी दी थी और तुम इंदौर वालों अब काले अंग्रेजों से इस देश को निजात दिलाओगे। इन चोरों से, इन चोर चौकीदारों से इस देश को निजात दिलाओगे। आजादी देने वाली कांग्रेस, ये ना समझना ये स्वाधीनता तुम्हें यूं ही मिली है, हर गली इस बात की खून पी के ही खिली है, बिछ गए वो नींव में दीवारों के नीचे गड़े हैं, ये महल अपने शहीदों की चिताओं पे खड़े हैं, अपने शहीदों की चिताओं पे खड़े हैं। अपनी वोट को छोटा मत समझना, एक छोटी सी चिड़िया जंगल की आग बुझाने के लिए जल लाती और आग बुझाती, एक कौवा बैठा था वो कहने लगा चिड़िया रानी मैं समझता था तुझे बड़ी सियानी, तेरी चोंच में आता है इतना सा पानी, अरे क्या आग बुझेगी तेरे इस पानी से। तो चिड़िया ने कहा चौवे राजा जंगल की आग का जब इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम बुझाने वालों में आएगा, लगाने वालों में नहीं आएगा।